को सौगात देंगे। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 2409 करोड़ रूपये की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन शाम 4 बजे से किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 5 जिलों के 5 लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। साथ ही कार्यक्रम का प्रसारण ऑनलाइन भी किया जाएगा। प्रदेश के सभी NIC सभाघर में मुख्यमंत्री लाभार्थियों के साथ जुड़ेंगे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज NXC भवन में प्रदेश के 75 जिलों के 3,42,322 लाभार्थियों को सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 2409 करोड़ रूपये की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी और ये सारा कार्यक्रम जो है वर्चुअली किया जाएगा, जहां पर सभी अलग अलग माध्यम से लोग जुड़ेंगे। इस दौरान प्रदेश के 5 जिलों के 5 लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत भी की जाएगी। साथ ही कार्यक्रम का सारा प्रसारण ऑनलाइन किया जाएगा और प्रदेश के सभी NIC सभागार में मुख्यमंत्री लाभार्थियों के साथ जुड़ेंगे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आज लाभ मिलने वाला है, जिसके चलते आपको बता दें कि ये लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब और मजदूर लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास को लेकर आज प्रमाण पत्र भी सौंपेगी। वहीं इसके साथ ही प्रदेश के 75 जिलों के 3,42,322 लाभार्थियों को ये सौगात दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे हैं और पहुंचते ही उन्होंने बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने महंत अवैधनाथ समाधि स्थल पर फूल भी चढ़ाए। आपको बता दें, सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं। इस दौरान यहां के उद्योगपतियों के साथ उन्होंने बैठक भी करी है। जानकारी के मुताबिक श्रीराम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कुशीनगर में मोरारी बापू कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह का दिनचर्या अपना परंपरागत तरीके से ही निभाया। गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित अपने आवास से सुबह 5 बजे निकलकर सबसे पहले वे गुरु गोरखनाथ के दरबार में गए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर परिसर में भ्रमण के क्रम से योगी सरकार ने गायों के बीच करीब आधा घंटा गायों के बीच गुजारा। इस दौरान उन्होंने गायों को दुलार पुछाकर अपने हाथों से गुड़ चना खिलाया। वहीं सीएम योगी ने बारी बारी से सबको बुलाकर उनसे मुलाकात भी करी और जो लोग फरियाद लेकर आए थे उन सभी की फरियाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आराम से सुना। साथ ही फरियाद लेकर आए सभी लोगों से उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि बहुत ही जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और जहां पर उस गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सभी लोगों से मुलाकात करी, जो सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में अपनी